किसन चले चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। धूप में चलो साय में चलो चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं जेनिफर हमीद और मैं हूँ जेसिका हमीद। प्रोग्राम यीशु के संग चले में आप सबको वेलकम कहते हैं। और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे और जो नहीं हैं हम आप सब के लिए दुआ हो हैं। खुदा आप सबको खुश रखे और हमेशा सलामत रखे, आमीन। दोस्तों क्या आपने कभी फुटबॉल मैच देखा है या कभी क्रिकेट मैच देखा है? यकीनन आपने देखा होगा। तो क्या आपने उसमें देखा है कि एक पूरी टीम पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ काम करती है ताकि टीम जीत सके और अपना मकसद पा सके। लेकिन उस टीम का हमेशा एक लीडर होता है जो उनकी रहनुमाई करता है और हर एक मेंबर को उनकी काबिलियत के मुताबिक चुनता है। ऐसी ही एक टीम हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती है जिसका मकसद कोई मैच जीतना नहीं था बल्कि उस टीम को दुनिया का सबसे बड़ा मकसद दिया गया। वो मकसद था खुदा के कलाम की मुनादी करना, खुदा के कलाम को इस पूरी दुनिया में फैलाना। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस टीम का लीडर कौन था? जी दोस्तों आप सही सोच रहे हैं, उस टीम का लीडर हमारे खुदावंद यीशु मसीह है। प्रोग्राम यीशु के संग चले के अब तक के तमाम एपिसोड्स में हम उस लीडर के बारे में सीख चुके हैं, अपने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीख चुके हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे कि उस टीम के तमाम मेंबर्स जिनके बारे में बाइबल मुकद्दस 12 रसूल उनको बताती है, उनके बारे में सीखेंगे कि उनका मकसद क्या था और उनको वो कौन सा मकसद दिया गया जिसे पूरी दुनिया का जबरदस्त काम बताया जाता है। आइए सीखते हैं आज के 12 शागिर्दों के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे फेसबुक पेज असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च को फॉलो कर लें और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल एओजी चर्च पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रोग्राम यीशु के संग चले की हर आने वाली नई वीडियो आप तक बावर पहुंचती रहे और आप खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि 12 शागिर्द कौन हैं? 12 शागिर्द वो हैं जिन्हें ज़बरदस्त काम दिया गया, जिनकी तरबियत की गई। मुकदस मत्ती के मार्ग को खुदाम यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील उसका 10 बाब उसकी 2 आए। पहला शमाम जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और यहुन्ना, फिलपस और बर्तलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हलफई का बेटा याकूब और तद्दी, शमाम के नानी और आखिरी यहूदा अस्करियोती जिसने उसको पकड़वा भी दिया। ये सब थे 12 रसूल। और आपने देखा है कि वो सब बहुत आम लोग थे, इनका तालीमी कोई पस मंजर नहीं था और इनको माशरे में कोई आला मुकाम हासिल नहीं था। इन शॉर्ट वो सब बहुत आम लोग थे और उनमें से कुछ लोगों के बारे में तो हम मुकम्मल तौर पर ना वाकिफ हैं। जो हम उनके बारे में जानते हैं वो सिर्फ उनके नाम हैं। लेकिन इन्हें आम लोगों में से ही चुना गया उस ज़बरदस्त काम के लिए। और अगर हम दुनिया की तारीख में देखें तो कोई अब तक ऐसा काम नहीं है जो उस जिम्मेदारी का मुकाबला कर सके, यानी जो खुदा के कलाम को फैलाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी अब तक का कोई ऐसा काम नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके, जिन्हें उन 12 रसूलों को सौंपा गया। और आप यही बात रसूलों के अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में देखते हैं कि एथियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तस्लीफ किया जो यीशु मसीह ने शुरू किया और उनको सिखाता रहा, और इसीलिए वो अपने आसमान पर उठाए जाने से 40 दिन तक पहले वो अपने शागिर्दों से मिलता रहा और उनकी तरबियत करता रहा और उनसे कहता रहा कि अब मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ और तुम तब तक इंतज़ार करो जब वो आएगा और वह तुमको कुवत बख्शेगा और तुम पूरी दुनिया में जाओगे और मेरे गवाह बनोगे। और यूँ उस मंसूबे की शुरुआत हुई जो यीशु मसीह ने शुरू किया था, यानी दुनिया की निजात का मंसूबा। और आपको पता है कि इस मंसूबे का पूरा इन्हिसार अब उन 12 शागिर्दों पर था, यानी 12 रसूलों पर। अगर आप इनके नामों की फहरिस्त पर ही गौर करें तो हमें इसी में से बहुत सी दिलचस्प बातें जानने को मिलती हैं। जैसे फहरिस्त में पहला नाम शमाम, यानी जो पतरस कहलाता था। अगर हम नए अहदनामे में देखें तो हमारे पास 4 फहरिस्तें हैं जिनमें शागिर्दों के नाम मौजूद हैं। पहली फहरिस्त मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदा यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील उसके 10 बाब में मिलती है। दूसरी फहरिस्त मुकद्दस मरकज की मार्फत खुदा यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील उसके 3 बाब में।
तीसरी फहरिस्त मुकद्दस लूका के मार्ग को खुदावंद यीशु मसीह की लिखवाई गई इंजील उसके छठे बाब में और चौथी और आखिरी फहरिस्त हमें मिलती है रसूलों के अमान उसके पहले बाब में। अब हम सीखेंगे इन चारों फहरिस्तों में से कुछ चंद दिलचस्प हकायक। आपने देखा होगा कि इन चारों फहरिस्तों में सबसे पहला नाम कौन सा था? शमाउन, जो पतरस कहलाता है। ये पतरस जो शमाउन कहलाता है। और सबसे आखिरी नाम यहूदा इस्करियोती। ठीक है, तो पहला नाम हमेशा हर फहरिस्त में पतरस आया। क्या इसका क्या मतलब था कि पतरस चुने जाने वालों में से सबसे पहला था? क्या वो सबसे पहला शख्स चुना गया? बिल्कुल भी नहीं। यूहन्ना उसका 10 बाब इस बात की गवाही देता है कि वो सबसे पहला चुने जाने वाला शागिर्द नहीं था। लेकिन फिर भी पतरस का नाम शागिर्दों की हर फहरिस्त यानी चारों फहरिस्तों में सबसे पहले आता है। ऐसा क्यों है? अब एक लफ्ज जिस पर जो बहुत दिलचस्प है, इस पर गौर करने की जरूरत है, और वो लफ्ज है पर्दोस। अगर हम इस लिहाज से इसका मायने देखें तो वो है दर्जे में सबसे पहला। यकीनन ये बात सच है कि खुदा की बादशाही में 12 रसूलों के 12 तक मसावी होंगे। और हम सब जानते हैं कि 12 रसूल इख्तियार में कुदरत में बराबर हैं। उन सबको ये इख्तियार दिया गया कि जाएं दुनिया में मुनादी करें। उन सबको कहा गया कि जाएं बीमारों को शिफा बख्शें। उन सबको ये इख्तियार दिया गया कि बदरूहों को निकालें। और आप ये सही सोच रहे हैं, बाइबल मुकद्दस भी यही बताती है कि वो सब 12 के 12 इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे तख्त पर बैठ के। यूहन्ना पतरस जो है वो सबसे पहला है, सबसे बड़ा है। हाँ, काम के एतबार से नहीं बल्कि इख्तियार के एतबार से, और अपने इख्तियार के एतबार से वो सबसे बड़ा है। और मैं आपको एक आयत बताना चाहती हूँ जहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए आया। पहला तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, इसमें सबसे बड़ा पतरस है। ये ज़रूरी था कि उनका कोई रहनुमा होता और वो उनका रहनुमा बना, और उसमें कोई कबाहत नहीं है। रहनुमाओं के ऊपर भी रहनुमा होते हैं और पतरस उनका रहनुमा था। आइए अब इन चार फहरिस्तों में से जो दूसरा दिलचस्प हकायक है उसको जानते हैं। एक और दिलचस्प बात ये है कि अगर हम इन चार फहरिस्तों में देखें तो हर फहरिस्त में 3-4 का क्यूब बनाया गया। लेकिन अगर हम गौर करें तो खुदा के हम पहले ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानते हैं। पहले ग्रुप में कौन है? शमाम, जो पतरस कहलाता, उसका भाई इंद्रियास, ये जब्दी के बेटे याकूब और यहूदा। यानी इन चार के बारे में हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं बाइबल मुकद्दस के हवाले से। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन जो आखिरी ग्रुप है यहूदा इस्करियोती के अलावा हम बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं जानते। और अगर हम गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह भी पहले ग्रुप के लोगों से ज़्यादा प्यार करते थे, उनसे उनके ज़्यादा करीब थे। यानी शमाउन जो पतरस कहलाता है, इंद्रियास और यहूदा और आखिरी याकूब, यानी इन चार से खुदावंद यीशु मसीह इनके ज़्यादा करीब थे। हालांकि उनका काम भी एक था, उनका मकसद भी एक था, इन 12 को इख्तियार भी एक जैसा मिला। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पहले ग्रुप यानी पतरस जो शमाउन पतरस कहलाता है, और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास, इन चारों के ज़्यादा करीब था। और आपने ये गौर किया होगा कि इस पहले ग्रुप के लोगों में से ही खुदा के कलाम को लिखने वाले लोग निकले, यानी उन्हें ज़्यादा अहमियत दी गई इसीलिए क्योंकि वो खुदा के ज़्यादा करीब थे। आपने इसमें से यही समझा होगा कि जो लोग खुदा के ज़्यादा करीब होते हैं उनका नाम सबसे पहले आता है और उन्हीं के बारे में लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों में ज़्यादा मशहूर हों और आपका दर्जा आला हो, आप सबसे ऊपर हों, तो आपको खुदा यीशु मसीह के ज़्यादा करीब होना होगा। और उसके लिए आपको क्या करना है? रोज़ाना दुआ करें, खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा के कलाम से जुड़े रहें, यीशु मसीह के संग चलते रहें। तो अब बढ़ते हैं आज के वर्शिप सॉन्ग की तरफ। तो आज का वर्शिप सॉन्ग है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है, यीशु तेरे दिल में आना चाहता है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है, आसमां का राजा तुझको चाहता है, तू खोल दे दिया
अपना मान ले उसका कहना खोल दे दिल अपना मान ले उसका कहना यीशु आया है देने जिंदगी यीशु आया है देने हर खुशी यीशु आया है देने जिंदगी यीशु आया है देने हर खुशी तू खोल दे दिल अपना मान ले उसका कहना कहना। तो दोस्तों ये था आज का वर्शिप सॉन्ग, आप इसे जरूर सीखें और इस पर अमल करें। तो अब बढ़ते हैं आज की आयत की तरफ। तो आज की आयत है पहला तिमोथियस उसका पहला बाप उसकी पांचवी आयत। ये बात हर तरह से सच और कबूल करने के लायक है कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए आया। आमीन। आप इस आयत को जुबानी याद कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में 12 रसूलों के बारे में तफसील से जानेंगे हम। तब तक के लिए यीशु के साथ चलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।